So hello students, we are on the next part of the capacitor, that is part number 9. इसके पहले आप 8 part देख चुके हैं और बहुत अच्छा response मिल रहा है हमें, thank you very much for that. बहुत अच्छी चीज़ें दिख रही हैं, बहुत सारे रोज़ नए नए जो students हैं वो हमारे साथ जुड़ते जा रहे हैं, और साथ ही साथ ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ देखने को मिल रही है कि जो videos के ऊपर view time है, जो response है, जिस तरीके से आप उसे देख रहे हैं, वो इससे समझ में आता है कि जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं वर्थ करती है. पर इसी में जुड़ते हुए एक नई चीज़ और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ. शॉर्टली आज से लेके 2 दिन के अंदर आपको 10th क्लास के मैथमेटिक्स के वीडियो भी देखने मिलेंगे. सो नाउ वी आर स्टार्टिंग 10th क्लास मैथमेटिक्स ऑल्सो. इसी सीरीज़ में हम पूरा 10th के लिए एक डेडिकेटेड चैनल निकाल जो है स्टार्ट करने जा रहे हैं, 10th और 9th के लिए बोल सकते हैं हम उसको. तो सबसे पहले टू स्टार्ट विथ, आई स्टार्ट विथ रियल नंबर्स, ठीक है. आई स्टार्ट टीचिंग मैथमेटिक्स फॉर 10th क्लास, ठीक है. सो विल स्टार्ट विथ रियल नंबर्स एंड उसी के साथ आगे आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी के भी वीडियोज़ मिलेंगे 10th के लिए, 9th के लिए. और बहुत जल्दी हम लोग विद इन 2-3 डेज विल बी हैविंग अ न्यू चैनल फॉर दैट. और बस यही चाहते हैं कि आप लोग इस चीज़ को भी उतना ही अप्रिशिएट करें, उस चीज़ को उतना ही आप मोटिवेशन अपनी तरफ से दें कि वो भी इस तरीके से थोड़ा अच्छी तरह से ग्रो कर जाए. तो 10th क्लास के वीडियोस के अंदर आने का पर्पस बेसिकली यही है कि हम चाहते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इस मेथडोलॉजी के साथ 10th के लिए भी हम लोग हेल्प कर सकें, ठीक है ना. तो बहुत जल्द विद इन 2 डेज विल बी हैविंग फर्स्ट वीडियो फॉर अ चैप्टर दैट इज़ रियल नंबर फॉर 10th स्टैंडर्ड और 9th स्टैंडर्ड यू कैन से. तो नंबर सिस्टम भी आप एक जानते हैं, वो 9th स्टैंडर्ड में उसका नाम दिया हुआ है. तो 9th और 10th के लिए हम लोग ये बनाना शुरू करेंगे. और एक और चीज़ होगी कि जो 10th स्टैंडर्ड की टेक्स्ट बुक होगी CBSE की, हम उसके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करा देंगे, और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस जो हैं टेक्स्ट बुक के वो आपके लिए छोड़ देंगे ताकि आपकी पूरी एक ओवरऑल प्रैक्टिस हो सके, ठीक है. तो विद इन 2 डेज विल स्टार्ट विद दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स जस्ट फोकस ऑन दिस थिंग्स नाउ कि भाई हम कैपेसिटर पे थे, क्वेश्चंस आपने करने थे, मैंने कुछ ऑलरेडी सर्किट प्रॉब्लम आपको दिए हुए थे, तो वो सर्किट प्रॉब्लम पे ही हम लोग काम करेंगे. मैंने ये क्वेश्चन ऑलरेडी आपको होमवर्क में दिया हुआ था, और यहाँ इस क्वेश्चन में ये चीज़ बोली गई थी कि भाई जब ये स्विच क्लोज कर दिया जाएगा तो AB में से स्विच क्लोज होने के बाद कितना चार्ज चला जाएगा. तो मैं थोड़ा सा सबसे पहले इसका आंसर बता देता हूँ उन बच्चों के लिए जिन्होंने मेहनत की है. तो जो मेरे पास आंसर दिया है उसके हिसाब से स्विच के क्लोज होते ही AB में से 20 माइक्रोकूलम चार्ज जाएगा. कैसे जाएगा, क्यों जाएगा, वो तो मैं समझाऊंगा ही डेफिनेटली. तो अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं. आज का हमारा मोटिव है KVL KCL हमें पढ़ना है, ठीक है. ये 2 सर्किट प्रॉब्लम मैंने ऑलरेडी दिए थे वो करना है, प्लस KVL KCL पढ़ना है. ये हमारा टारगेट होगा आज का. और फिर इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है इस कैपेसिटर में, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर. जैसे कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स पढ़ा था आपने, सेम वही सारी चीज़ें आप कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर में पढ़ने जा रहे हैं. बहुत सिंपल सा टॉपिक है अगेन. फिर हम लोग वैसे ही सर्किट में R इक्वलेंट जो निकालते थे रजिस्टर के केस में, वैसे ही C इक्वलेंट निकालेंगे, ठीक है ना. तो दे आर वेरी सिंपल थिंग्स, डोंट वरी अबाउट इट. फिर उसके बाद फाइनली इसका एक अपना नया जो है आखिरी टॉपिक वो आ जाएगा, जैसे चार्जिंग डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर. फिर उसके बाद लास्ट में डाइलेक्ट्रिक. ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं. इनिशियली द सिस्टम इज इन स्टडी स्टेट, ठीक है. यहाँ पे आपको दिख रहा है कि भाई सिस्टम जो है स्टडी स्टेट में है. ऑलरेडी ये स्विच जो है ये ओपन है, सिस्टम स्टडी स्टेट में है. तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, स्विच को हटा ही देता हूँ यहाँ से, क्योंकि ऑलरेडी स्टडी स्टेट अचीव्ड है. तो ये अपना जो पहले से ही है इसको हम केस वन कह देते हैं. और दूसरा जो केस है, फाइंड द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर AB आफ्टर स्विचेस इज क्लोज्ड, तो मैं वो दूसरा वाला भी फिगर बना देता हूँ यहाँ पे, जिससे क्या होगा कि हम दोनों ही फिगर को कंपेयर करके बात कर पाएंगे. तो मैं दूसरा वाला फिगर बना रहा हूँ. जैसे यहाँ पे हम लोग इस तरीके से एक रजिस्टर, एक और रजिस्टर ऐसा लगा लेंगे, और फिर इसके बाद इसको यहाँ से नीचे एक बैटरी लगा देंगे. 60 वोल्ट की एक बैटरी है, 60 वोल्ट की बैटरी है, और 10 ओम का ये रजिस्टर है, ये भी 10 ओम का रजिस्टर है, ये भी 10 ओम का रजिस्टर है. जैसे ही आपने स्विच को क्लोज किया ये यहाँ से शॉर्ट हो गया. थोड़ा पहले ये समझ लो, जब स्विच ओपन था तो थोड़ा यहाँ से समझना होगा हमें कि यहाँ से करंट इधर जा रहा था, फिर यहाँ से करंट इधर भी जा रहा था, इधर भी जा रहा था. अब जब स्टेडी स्टेट अचीव हो गई,
स्टेडी स्टेट अचीव हो गई तो यहाँ से आई थिंक आई शुड राइट आई वन आई टू, ठीक है, इनिशियली जा रहा था, जब स्टेडी स्टेट अचीव हो गई तो ये वाला करंट जीरो हो गया, ठीक है, और ये कैपेसिटर ने इस ब्रांच को ओपन सर्किट कर दिया और फिर ये करंट जो है वो सीधे 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 ऐसा जा रहा था, फिर इसको आई टू कहने की ज़रूरत नहीं, दिस विल बी आई, ठीक है। तो जो करंट है उसका फ्लो कुछ इस तरीके से था, और जब स्टेडी स्टेट में ऑलरेडी सिस्टम है तब हमें तो इस कैपेसिटर के अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप देखना होगा जो एक्चुअली कितना होगा, जो इस वाली ब्रांच के अक्रॉस होगा। देखो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, एक्चुअली ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट जो पोटेंशियल ड्रॉप इसके अक्रॉस हमें मिल रहा है, वही पोटेंशियल ड्रॉप एक्चुअली कैपेसिटर के अक्रॉस भी है। तो ये जो पोटेंशियल है हमें पहले निकालना होगा, उसके बाद हम इस पे चार्जेस निकालेंगे, फिर बाद में हम इस कंडीशन को देखेंगे, फिर इसके लिए भी चार्जेस निकालेंगे। तो चलो पहले सोचते हैं शॉर्ट कर देने से क्या फ़ायदा मिलेगा। अब जैसे सोचो, यहाँ से कुछ करंट आ रहा था आई, यहाँ से करंट जा रहा था आई वन और यहाँ से करंट जा रहा था आई टू। जब ये करंट ऐसा जा रहा था तो अब जबकि इस पॉइंट को यहाँ से डायरेक्ट शॉर्ट कर दिया गया है, और एक बात सोचो कि इस पॉइंट से अगर मुझे यहाँ तक पहुँचना है तो रजिस्टर से ओवरकम करके जाना है, तो करंट कभी भी इस रजिस्टर से क्यों जाना चाहेगा, नहीं जाना चाहेगा, करंट को तो रास्ता मिला, वो सीधे यहाँ से जाएगा, ऐसा जाएगा यहाँ से आने वाला करंट और मिलकर निकल जाएंगे। यानी ये जो ब्रांच है ये पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगी, इसको सोचो, ये ब्रांच पूरी तरह से गायब हो जाएगी, यहाँ कोई करंट नहीं जाएगा। इसका मतलब ही अब ये है कि जो पहले 10 और 10 20 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल था वही कैपेसिटर के अक्रॉस आता था, अब सिर्फ 10 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही कैपेसिटर के अक्रॉस आएगा। और उस बात को देखते हुए अब हमें फिर से सोचना होगा कि नए पोटेंशियल डिविजन्स के हिसाब से, नए पोटेंशियल डिविजन के हिसाब से कितना नया चार्ज इस कैपेसिटर पे है। बहुत सिंपल चीज है, चलो एक एक करके कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले इनिशियल स्टेडी स्टेट में आपको देखना पड़ेगा कि ये जो टोटल यहाँ पे करंट है वो कितना है। तो I इक्वल्स टू E, यानी क्या आ गया आपके पास 60 और अपॉन में R, यानी देखो यहाँ से करंट जाएगा तो 10 ओम ये सीरीज में आ गया, इधर से आएगा तो और एक 10 ओम, यानी टोटल 30 ओम का आपके पास इक्वलेंट रेजिस्टेंस आ गया, यानी I इक्वल टू आ गया आपके पास 2 एम्पियर के बराबर। ये 2 एम्पियर का करंट अब इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल ड्रॉप देगा तो बहुत आसानी से आप लगा सकते हैं, V इक्वल टू I इंटू आर, आर इक्वलेंट, यानी आर इक्वलेंट भी कौन सा, तो ये दोनों का मिला के आर इक्वलेंट, क्योंकि वही पोटेंशियल इसके अक्रॉस आएगा, तो इसका मतलब जो वी आएगा कैपेसिटर के अक्रॉस दैट इज आई दैट इज 2 इंटू आर दैट इज 20, तो कैपेसिटर के अक्रॉस आपको मिल गया 40 वोल्ट। कैपेसिटर के अक्रॉस आपको मिल गया 40 वोल्ट। ऐसा नहीं भी चाहो तो ओरली निकाल सकते हो यार, ये 60 वोल्ट का पोटेंशियल है, यहाँ 20 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ 10 ओम का रेजिस्टेंस है, तो यहाँ 2:1 में डिवाइड होना चाहिए, 2:1 में यानी 60 के 3 भाग, यानी 20 का 1 भाग, 2 भाग इधर, यानी 40 वोल्ट इधर आ गया, 20 वोल्ट इधर आ गया, वही 40 वोल्ट इस कैपेसिटर के अक्रॉस भी होगा। तो जो कैपेसिटर पे चार्जेस हैं इनिशियली वो कितने हैं सर, तो Q इक्वल टू वी सी, क्यू इक्वल टू सी वी होता है, तो वी सी इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर इंटू कैपेसिटी ऑफ द कैपेसिटर। तो आप क्या करेंगे, पोटेंशियल ड्रॉप आ गया आपके पास 40 इंटू कैपेसिटी आ गई 2 माइक्रोफेरेड है, इसलिए चार्ज आ गए आपके पास 80 माइक्रोकूलम, चार्ज आ गया आपके पास 80 माइक्रोकूलम, यानी आप यहाँ लिख सकते हो +80 इधर है और -80 इधर है, स्टेडी स्टेट लेके ये बैठा हुआ है, अब तक स्विच ओपन था, जब यहाँ 80 आ गए बस आराम से ये अपना बैठा हुआ है, स्टेडी स्टेट है, इस पॉइंट पर जाके स्विच को क्लोज कर दिया, शॉर्ट कर दिया, इधर का सर्किट हो गया गायब, फिर से इसको स्टेडी स्टेट में आने दिया, फिर से सर्किट को सेटल होने दिया, तो जब स्विच को क्लोज किया वो T0 मान लो, जब स्विच क्लोज हुई और आफ्टर लॉन्ग टाइम, यानी यहां से T∞ जब आ गया तब फिर से ये वाला करंट जीरो हो गया। इसका मतलब ये कैपेसिटर फिर से एक ओपन सर्किट वाला पार्ट बन गया, अब यहाँ से कोई करंट नहीं जा रहा, ये करंट आ रहा सीधे इधर से चले जाएगा, और यहाँ से जब ये करंट जाएगा तो जो इस पॉइंट के इस रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप होगा वही पोटेंशियल ड्रॉप कैपेसिटर के अक्रॉस होगा, पर हमें सबसे पहले करंट निकालना पड़ेगा, तो करंट हो जाएगा E/R, यानी 60/ अब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस देखो, यहाँ से 10, फिर इधर से आ गया इधर 20, यानी कितना हो गया 20, यानी कि आ गया 3 एम्पियर करंट। देखो पहले कितना करंट था, 2 एम्पियर करंट, अब कितना करंट हो गया, 3 एम्पियर करंट, अब ज्यादा करंट है,
पर यहां पहले 20 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप था, अब यहां पे 10 ओम के रजिस्टर के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप है, तो आप पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी रजिस्टर ऑफ 10 ओम इज नथिंग बट पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी कैपेसिटर, एंड दैट इज नथिंग बट आई इंटू आर, दैट इज 3 × 10, तो कैपेसिटर के अक्रॉस आपको मिल गया 30 वोल्ट। अरे आप ओरली भी कर सकते हो, देखो ये 10 और ये 10 इक्वल रेजिस्टेंस 60 वोल्ट को इक्वल डिवाइड कर लेंगे, तो इसके अक्रॉस भी 30 वोल्ट, इसके अक्रॉस भी 30 वोल्ट। अब आप देखोगे चार्ज कितना आया भाई, तो चार्ज हो जाएगा VC, दैट इज द कैप द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर इन टू द पोटेंशियल, तो VC इज नथिंग बट Q इक्वल टू सी वी होता है ना, तो कैपेसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 वोल्ट, तो उसका आ गया पोटेंशियल। कैपेसिटी हमें पता है वो कितनी थी, 2 माइक्रोफेरेड, यानी यहाँ पे आ गया 2 माइक्रोफेरेड, और इसके हिसाब से जो चार्ज आ गया वो आ गया 60 माइक्रो कूलम। इसका मतलब ये कि यहाँ पे अब है +60, यहाँ पे है -60। अब मेन मुद्दे की बात है सर, ये चार्जेस पहले थे +80 और अब है +60, भागे कैसे? अच्छा सर, पहले जो पोटेंशियल ड्रॉप था ना कैपेसिटर के अक्रॉस वो था 40, अब हो गया 30, यानी इस कंडीशन से इस कंडीशन में आते आते कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कम हो गया है, इसका मतलब चार्ज को भी कम होना पड़ेगा, इसका मतलब चार्ज को भी कम होना पड़ेगा। पर चार्जेस भागे कैसे हैं, उनका रास्ता क्या था भागने का, किस पाथ से भागे चार्जेस? तो ये जो 20 कहां से, देखो भाई 80 थे, 80 से कितने हो गए 60, यानी कि +20 माइक्रो कूलम भागे हैं यहां से। पर वो कैसे भागे, तो देखो जरा पाथ पे ध्यान देना है ना, वो भागे ऐसे, यहां से निकले +20, तो सर क्या बैटरी की तरफ गए क्या? अरे बैटरी की तरफ तो हाई पोटेंशियल है वैसे ही, वहां तो जा ही नहीं सकते, तो यहां से भागे इधर, ये वाले भागे फिर इधर, यहां से भागे +20 और इधर से भी भागे +20, इधर से भागे +20, इधर से भागे +20, फिर क्या सर इधर चले गए क्या? नहीं, इधर पे था -80, तो जाके इधर मिल गए +20, तो -80 में +20 मिल गए, यानी इसका मतलब क्या हो गया -60, तो यहां आ गया -60, यहां आ गया +60, बस ये +20 ऐसे भागे। अगर कोई पूछे कि AB में से कितने भागे, तो एक बात तो है वो कि +20 माइक्रो कूलम भागे, और कैसे भागे, तो वो भागे A से B की तरफ, +20 माइक्रो कूलम कहां से कहां भागे, A से B की तरफ। किसी किसी में ऐसा पूछा जा सकता है कि -20 माइक्रो कूलम कहां से भागे, तो आप बताओ वो भागे B से A की तरफ। भाई अगर आप +20 दौड़ा रहे हो तो वो ऐसे भागेंगे, और अगर आप -20 दौड़ा रहे हो तो ऐसे भागेंगे, यानी +20 भागे A से B की तरफ और -20 भागे B से A की तरफ। हालांकि इस क्वेश्चन में डायरेक्शन नहीं पूछा था, सिर्फ ये पूछा था कितने भागे, तो पहले +80 थे, +80 से हो गए +60, यानी 20 का डिफरेंस आ गया, यानी आप ये कह सकते हो कि AB वायर में से जो AB वायर में से जो चार्जेस भागे हैं वो +20 माइक्रो कूलम है, और वो कैसे भागे हैं, तो आप कह सकते हो +20 की अगर बात करोगे तो A से B भागे हैं, और -20 की अगर बात करोगे तो वो B से A भागे हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, कभी कभी ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं जिसमें ये पूछा जा सकता है कि डायरेक्शन क्या था मूवमेंट का, किस तरीके से चार्ज भागे थे, मोशन का डायरेक्शन क्या था, ये बात डेफिनेटली पूछी जा सकती है, तो इसको ध्यान रखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपके समझ में आया होगा। देखो क्वेश्चन में कैलकुलेशन के नाम पे कुछ नहीं है, बट सिर्फ और सिर्फ प्योर कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें, अगर आप कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ जाते हो तो चीज़ें बहुत फास्ट हो जाती हैं। तो ये नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है, मैं इसके बारे में आपको बात बता देता हूँ। इस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हैं, और 3 पार्ट्स में चार्जेस फ्लोन थ्रू द बैटरी, आपको अगर पहले बात पूछी जाए तो चार्जेस कितने बैटरी से चार्जेस गए हैं, अच्छा इसकी बैटरी का पोटेंशियल E/2 था, तो जो बैटरी से गए हैं वो CE/2 हैं, फिर वर्क डन बाय बैटरी कितनी है वो भी हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग निकालते हैं, कैलकुलेट ही करते हैं, मैं आंसर एक एक करके आपको बताता हूँ। देखो क्वेश्चन में लिखा है कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस C इज चार्ज अप टू द पोटेंशियल E, यानी इसके अक्रॉस पहले से ही पोटेंशियल E है। पर एक बात ध्यान रखो, अब किसी किसी के दिमाग में आ रहा होगा सर ये तो ऑलरेडी बड़ा पोटेंशियल है, ये तो छोटा है, ये प्लस वाला पोर्ट ही माइनस। पर एक बात सोचो, क्या ये कंटिन्यूस सोर्स ऑफ एनर्जी है? वो तो नहीं है। क्या ये कंटिन्यूस ई दे सकता है? वो तो नहीं दे सकता। कंटिन्यूस तो यही दे सकता है, जब कंटिन्यूस यही दे सकता है ना, तो बात भी इसी की मानी जाएगी।
इसी के हिसाब से सब कुछ होगा। ठीक है, तो अब कैसे होगा, क्या होगा, कहाँ तक बातें होंगी, कैसे कराया जाएगा, क्या कराया जाएगा, उस पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब यहाँ ये पूछा जा रहा है कि चार्जेस बैटरी से कितने गए, चार्जेस यहाँ क्या लिखा जा रहा है, फाइंड द टोटल चार्ज फ्लोन थ्रू द बैटरी, बैटरी से कितने फ्लो हो गए। अब डेफिनेटली ये हायर पोटेंशियल पे है, तो जैसे ही हम इसकी यानी यहाँ से इसकी स्विच को क्लोज करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ से चार्जेस जो हैं वो इस तरफ आना शुरू हो जाएंगे। फाइनल चार्जेस जब स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगी तब क्या होगा, तब स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद क्या होगा, स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद यहाँ ई बाई टू है और यहाँ पे आ जाएंगे आपके क्यू ई, तो ई तो ई बाई टू हो जाएगा, तो सी ई बाई टू यहाँ प्लस आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा माइनस सी बाई टू, जो पहले प्लस था और यहाँ प्लस सी था और यहाँ पे माइनस सी था, अब यहाँ प्लस सी बाई टू हो जाएगा और यहाँ माइनस सी बाई टू। अब जो ये चार्जेस हैं वो कैसे भागे, वो ऐसे भागे, यहाँ से भागेंगे, तो C से C by 2 होने के लिए कितने चार्ज भागेंगे, तो जो चार्ज भाग जाएंगे वो होंगे CE by 2। भाई पहले CE थे ना, प्लस C थे, अब यहाँ प्लस CE by 2 हो गए, पहले प्लस C थे अब CE by 2 हो गए, तो CE by 2 भाग गए, तो चार्जेस फ्लोन थ्रू द बैटरी आर नथिंग बट CE by 2, CE by 2 चार्जेस भागे। दूसरी चीज आपसे पूछी गई थी कि वर्क डन कितना हुआ, बैटरी ने कितना वर्क डन किया, तो जो वर्क डन बाय बैटरी होता है वो कितना होता है, वर्क डन पर एक बात है, ये बैटरी में चार्ज आए या बैटरी से चार्ज गए, भाई ये तो बैटरी में आए हैं, तो जो भी बैटरी ने वर्क डन किया है वो कितना किया होगा। अब ये जो चार्जेस है ना, एक्चुअली ये जो चार्जेस हैं ये बैटरी के अंदर एंटर किए हैं, तो ये बैटरी के अंदर अगर किए हैं तो जैसे बैटरी का वर्क डन होता है क्यू इंटू ई, दिस इज द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी इंटू ईएमएफ ऑफ द बैटरी, बट दीज आर द चार्ज सप्लाइड बाय द बैटरी, पर यहाँ सी बाय टू सप्लाई नहीं हुआ, ये तो अंदर आया है, इसलिए आपको लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ सी ई बाय टू, दिस इज द चार्ज टेकन बाय द बैटरी, लिया है ना, वर्क डन बाय द बैटरी नहीं है, यहाँ वर्क डन ऑन द बैटरी है, वर्क बैटरी पे हुआ है, बैटरी ने चार्ज नहीं दिए, बैटरी को चार्ज दिए गए हैं, तो यहां से माइनस सी बाय टू, क्योंकि ये तो चार्ज गिवन बाय द बैटरी होता है, पर यहां चार्जेस एक्चुअली सी बाय टू टेकन बाय द बैटरी है, इसलिए उसको माइनस साइन लगाएंगे, और ये माइनस साइन एक्चुअली वर्क डन में भी दिखेगा, तो वर्क डन बाय द बैटरी इस बार आएगा निगेटिव, क्योंकि चार्जेस बैटरी के अंदर जा रहे, भाई चार्जेस बैटरी से निकल नहीं रहे, निकल रहे होते तो प्लस वर्क डन होता, यहां माइनस होगा, इंटू इसका ईएमएफ आ जाएगा ई बाय टू, तो आप यहां पे अगर देखें तो दिस विल बिकम व्हाट, वर्क डन बाय द बैटरी इज माइनस ऑफ सी ई स्क्वायर बाय 4, दिस इज द वर्क डन बाय बैटरी। इसके बाद आपसे नेक्स्ट चीज बोली गई है कि भाई फाइंड द हीट डिसिपेटेड, तो हीट डिसिपेटेड आई थिंक अब आप कैलकुलेट कर सकते हैं, हीट डिसिपेटेड मैं इस पार्ट को छोड़ देता हूँ, इसको आप करें, और हीट डिसिपेटेड के लिए आपको क्या लिखना होगा, वर्क डन बाई बैटरी माइनस ऑफ चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द कैपेसिटर, आप डेल्टा यू बड़े अच्छे से लिख सकते हैं, दैट इज़ यू एफ माइनस यू आई। पर एक बात और बता दूँ, जो भी कुछ वर्क डन आया है उसको प्रॉपर साइन के साथ रखना, जो भी डेल्टा यू आया है उसको प्रॉपर साइन के साथ रखना, तब जाके आप प्रॉपर हीट डिसिपेटेड निकाल पाओगे। बस इतनी बात ध्यान रखना कि जो वर्क डन हमें माइनस में मिला है बस वो माइनस में रखो, डेल्टा यू जो भी आएगा, यू एफ माइनस यू आई कर सकते हो, आई थिंक यू फाइनल के लिए ये वाला क्यू स्क्वायर बाई टू सी लगा देना, क्यू स्क्वायर यानी सी ई स्क्वायर बाई 4 और नीचे 2c रहेगा, और इनिशियल के लिए वही क्यू स्क्वायर बाई 2c में सी ई रख देना, सिर्फ क्यू की वैल्यू को सी ई रख देना, उससे आप बहुत अच्छे से डेल्टा यू निकाल पाओगे, वो डेल्टा यू निकालने के बाद वर्क डन पता ही है तो हीट डिसिपेटेड आप निकाल पाओगे, इतना कर लोगे काम बन जाएगा। तो यहाँ पे हमारे सर्किट प्रॉब्लम्स एंड होते हैं, ठीक है। अब जब हमने सर्किट प्रॉब्लम्स को एंड किया है तो अब मैं थोड़ा सा आपको, आई थिंक ये आपने लिख लिया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सा KVL KCL की तरफ जाएंगे, ऑलरेडी थोड़ा सा KVL KCL आप पढ़ चुके हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में, उसको रिकॉल करने की कोशिश करो, KVL KCL क्या था, किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, थोड़ा सा याद करो, किरचॉफ करंट लॉ में क्या हुआ करता था, देखो एक नोड पॉइंट होता था या जिसको हम जंक्शन भी कहते थे, वो जंक्शन एक ऐसा पॉइंट होता था जहाँ पे दो से ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं वो मीट करती थी, जहाँ दो से ज़्यादा ब्रांचेस जो हैं हमें एक साथ मिलती हुई दिखती थी, बस। तो ये इस तरीके की जो चीज़ होती है जहाँ जंक्शन बनता है उस पे हमने किरचॉफ करंट लॉ के हिसाब से ये कहा था, चार्ज के कंजर्वेशन के हिसाब से भी ये कहा था
कि उस नोड वाले पॉइंट पे जितने चार्जेस आएंगे उतने चार्जेस जाएंगे, या आप ये कह सकते हो उस नोड वाले पॉइंट पे जितना करंट आएगा उतना करंट जाएगा, या ये कह सकते हो कि उस नोड वाले पॉइंट पे सम ऑफ टोटल करंट विल बी ऑलवेज जीरो. सो दिस इज नथिंग बट द किरचॉफ्स करंट लॉ. फॉर करंट सर्किट्स, फॉर रेजिस्टेंस यू कैन से, फॉर कैपेसिटर, जब करंट वाली सर्किट पढ़ रहे थे आप करंट इलेक्ट्रिसिटी में, वहां सब कुछ रेजिस्टेंस था और करंट पे बात होती थी. यहां कैपेसिटर वाले में सारी चार्ज पे बात होती है. तो किरचॉफ करंट लॉ में जब हम बोलते थे कि टोटल करंट जो भी होता है ऑन एनी नोड, टोटल करंट ऑन एनी नोड इज ऑलवेज जीरो, टोटल करंट ऑन एनी नोड इज ऑलवेज जीरो, तो यही सेम बात हम चार्ज के लिए कह सकते हैं कि टोटल चार्ज ऑन एनी नोड विल बी ऑलवेज जीरो. इसका मतलब ये कि जितने चार्जेस उस नोड तक आएंगे उतने चार्जेस निकल जाएंगे, या फिर ये कह दें आप कि जितना भी चार्जेस नोड पे आएगा उसका टोटल अलजेब्रिक सम हमेशा जीरो होगा. वही सेम चीज़ जो करंट के लिए वहाँ बोलते थे किरचॉफ करंट लॉ में, वही चीज़ यहाँ हम चार्ज के लिए बोल रहे हैं, बाकी कुछ भी नहीं है. एकदम सिंपल बात है, मैं अभी समझा देता हूँ क्या होता है. आई थिंक यू हैव रिटन दिस क्वेश्चन, इट इज़ ऑलरेडी विथ यू. सो मैं इसको हटा दूँ पहले, तो फिर किरचॉफ करंट लॉ, किरचॉफ वोल्टेज लॉ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, और फिर हमारे कॉम्बिनेशन ऑफ सर्किट्स की तरफ, कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स की तरफ हम लोग चलेंगे. कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर इज अगेन अ वेरी गुड टॉपिक, सिंपल टॉपिक, फटाफट हो जाएगा. आई थिंक ये भी कंप्लीट हो गया होगा, इसको मिटा देता हूँ मैं. अब इसके बाद किरचॉफ करंट लॉ को देखते हैं, लेट्स सी कि इसमें क्या है. जो भी है बड़ा सिंपल है, बस आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी वाली थोड़ी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए, वो बैकग्राउंड पता होना चाहिए, फिर तो बहुत आसान है. ये फंस जा रहा है. चलो तो यहाँ से चलते हैं उधर. तो यहाँ हम कह देते हैं जो स्टेटमेंट है, द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्जेस ऑन द नोड इज ऑलवेज जीरो. द अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्जेस ऑन द नोड इज ऑलवेज जीरो. दिस इज दैट नोड. ठीक है, टोटल सम ऑफ अलजेब्रिक सम ऑफ टोटल चार्जेस ऑन द नोड इज ऑलवेज जीरो. सो अब इस पे आते हैं हम लोग वापस. तो अब यहाँ पे क्या कहना है हमें, कि भाई क्या कर सकते हैं हम लोग. तो यहाँ पे जो टोटल सम है चार्जेस का, लेट द पोटेंशियल एट नोड बी वी नॉट. ठीक है, देयरफोर एट नोड वी कैन से Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू जीरो, सम ऑफ द टोटल चार्ज इज जीरो. कोई डायरेक्शन आप अज्यूम कर सकते हैं, यू कैन से ये अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है, ये भी अंदर आ रहा है, तो टोटल चार्ज जो है Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इक्वल टू जीरो. जैसे हम लोग वहाँ करंट का डायरेक्शन अज्यूम करते थे, यहाँ आप चार्ज के फ्लो का डायरेक्शन अज्यूम कर लो, नो मैटर. और चार्जेस भी हमेशा पॉजिटिव चार्ज ले रहे हो, तो इट विल फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल. इसका मतलब अगर ये Q1 चार्ज पॉजिटिव है तो V1 से V0 की तरफ जा रहा है, यानी V1 हायर पोटेंशियल है और V0 लोअर पोटेंशियल है. सिमिलरली Q2 चार्ज भी हमने V2 से V0 की तरफ जाता हुआ माना है, तो V2 इज हायर पोटेंशियल, V0 इज लोअर. सिमिलरली Q3 भी आपने ऐसा माना है, तो V3 इज हायर पोटेंशियल, V0 इज लोअर पोटेंशियल. पर आपको एक और बात बता दूं कि ये जो तीनों डायरेक्शन हमने अंदर की तरफ आते हुए माने हैं, इसमें से कोई ना कोई डायरेक्शन आपको डेफिनेटली नेगेटिव मिलने वाला है, एक या दो डायरेक्शन आपको नेगेटिव मिलने वाले हैं. ठीक है, तो कैसा है ये मैंने वहाँ करंट इलेक्ट्रिसिटी में भी समझाया है. आपने अगर देखा है तो अच्छी बात है, नहीं देखा है तो उस करंट इलेक्ट्रिसिटी के वीडियो में जाके देखेंगे, आपको ये पता चलेगा कि भाई वो जो है वो डायरेक्शन अज्यूम्ड है, वो कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, दैट इज़ जस्ट एन अज्यूम्ड डायरेक्शन. और उस अज्यूम्ड डायरेक्शन में आपको जो रिजल्ट मिलेगा उसमें आपके वैल्यू तो सही मिलेंगे, पर डायरेक्शन हो सकता है कि दूसरा मिले, यानी चेंज हो जाए. ठीक है, सो Q1 Q2 Q3 ये सब हो गया है ना, और Q इक्वल टू होता है CV.
तो आपको सिर्फ क्या करना है, वो जो चार्ज लिखा है आपने उसको सीवी में लिखना है. सीवी वी इज बेसिकली इट इज डेल्टा वी यू कैन से. तो क्यू इज इक्वल टू सीवी, सीवी में वी जो है वो डेल्टा वी है. तो आप जो क्यू वन लिख सकते हैं यहाँ पे देखो, क्यू वन क्या लिख सकते हैं हम लोग, सीवी यानी क्या हो जाएगा, सी वन इंटू डेल्टा वी, वी डेल्टा वी यानी कितना, वी वन माइनस वी नॉट. वैसे ही आप Q2 क्या लिख सकते हैं, तो वो आप लिख सकते हैं C2 और वहाँ पे आ जाएगा V2 माइनस V0, और फिर आप Q3 लिख सकते हैं दैट इज C3 और वहाँ पे आ जाएगा V3 माइनस V0. इन तीनों को उठा के यहाँ रख दोगे अगर आप, तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी C1 V1 माइनस V0 प्लस C2 V2 माइनस V0 प्लस C3 V3 माइनस V0 इक्वल टू जीरो. इस इक्वेशन में वैल्यूज़ को पुट करो, V0 की वैल्यू को फाइंड आउट करो. V0 की वैल्यू को फाइंड आउट करते ही Q1, Q2, Q3 की वैल्यू आपको मिल जाएगी. सो इन दिस वे, इन दिस सिंपल वे यू कैन सॉल्व द क्वेश्चंस. ठीक है, मैं एक एग्जांपल करके दिखाता हूँ. दिस इज एग्जांपल नंबर थ्री आई थिंक. ठीक है ना, फॉर द गिवन सर्किट, फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड ऑल्सो फाइंड द वोल्टेज वी ए. वी ए निकालना है. सर्किट मैं बनाता हूँ. सर्किट कुछ इस तरह से है, यहाँ पे देख लेंगे. सर्किट यानी इट इज़ अ पार्ट ऑफ सम सर्किट, सॉरी इट इज़ नॉट लाइक दिस. यहाँ पे है, ऐसा बना लेते हैं इसको थोड़ा जल्दी जल्दी से. ठीक है ना, कुछ कैपेसिटी ले लेते हैं यहाँ पे, 2 माइक्रोफेरेड, 3 माइक्रोफेरेड एंड दिस वन इज 4-5 माइक्रोफेरेड ले लेते हैं. ठीक है, दिस इज पॉइंट वी ए. यहाँ अपने पास V इक्वल टू 20 वोल्ट भी है. यहाँ एक बैटरी लगा देता हूँ मैं और 10 वोल्ट की. यहाँ पे इसको ग्राउंड कर देता हूँ. ठीक है ना, ग्राउंड लिख दिया यहाँ पे. यहाँ पे एक बैटरी लगा देते हैं 10 वोल्ट की. यहाँ पे एक और 30 वोल्ट लगा देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं एक बैटरी 5 वोल्ट की. यू ऑल नो दैट इस तरीके से जब बैटरीज होती हैं तो हम लोग उसको सॉल्व करना जानते हैं. करंट इलेक्ट्रिसिटी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस थिंग्स इन आर चैप्टर, इन करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर. सो हाउ इट वर्क्स, लेट्स सी. है ना, चलो देख लेते हैं, फटाफट देखते हैं. तो अज्यूम कर लो, सबसे पहली बात एक चीज़ है कि बैटरीज़ को इधर उधर अरेंज कर लो. मैंने ये बताया भी था, जैसे यहाँ पहले रजिस्टर हुआ करते थे, तो हम बैटरी को इधर ले आते हैं, फिर टोटल वोल्टेज देखते हैं, फिर वी ए से उसका डिफरेंस देखते हैं, वो सब चीज़ें. तो इस बैटरी को आप एज इट इज़ उठा सकते हो यहाँ से, और इस बैटरी को आप उठा के इधर लगा सकते हो. आई थिंक मैंने ऐसा ही लिया था शायद, नेगेटिव इधर ही था. अब मैं, हाँ ठीक है, यही होगा शायद, 5 वोल्ट ऐसा रख सकते हो आप. एज इट इज़ यहाँ की बैटरी उठा के यहाँ रख दी. ठीक है, ये 10 वोल्ट तो वैसे भी बाहर ही लगी है, तो हम उसको कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं. ये भी बाहर ही लगी है. अब आपको सिर्फ ना कुछ बातें समझनी है. एक तो पहले हर ब्रांच में आप चार्ज अज्यूम कर लो. ये हो गया Q1, इसको मान लो Q2, इसको भी मान लो अंदर की तरफ Q3, मैंने अज्यूम कर लिया है. ठीक है, यानी इसका मतलब हर बार मेरे लिए इस तरफ का पोटेंशियल हायर है, इस तरफ का पोटेंशियल लोअर है, क्योंकि सब चार्जेस उधर ही जा रहे हैं. ठीक है ना, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये 20 है, मैंने समझाया भी था 20 है, तो ये वाला क्या है 20, और ये प्लस 10 इधर जाके माइनस 10. तो जब ये 20 माइनस 10 होगा, 20 माइनस 10 होगा, तो एक्चुअली इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा. इस पॉइंट का पोटेंशियल 10 वोल्ट हो जाएगा. अब 10 और VA के बीच का डिफरेंस मुझे देखना है. ये 20 माइनस 10 यानी इस पॉइंट पे पोटेंशियल 10. ऑलरेडी करंट इलेक्ट्रिसिटी में ये बहुत डिटेल में डिस्कशन हो चुका है, इसलिए थोड़ा सा हम इसमें आगे बढ़ जाएंगे. तो यहाँ 30 वोल्ट है, 30 से इधर जंप करोगे तो 30 में अब ये प्लस 5 हो जाएगा, यानी यहाँ का पोटेंशियल 35 वोल्ट हो जाएगा. यहाँ का पोटेंशियल आपको मिल जाएगा 35 वोल्ट यानी 35 वोल्ट. ठीक है ना, वैसे ही यहाँ ग्राउंड है यानी जीरो है. ग्राउंड किया हुआ है हमने किसी चीज़ को, तो वहाँ का पोटेंशियल जीरो है, जीरो, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 10. तो इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा 10 वोल्ट. अब आपने सारे चार्जेस अंदर माने हैं, तो अकॉर्डिंग टू KVL आप सब लिख सकते हैं फटाफट. अकॉर्डिंग टू KVL Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 इज इक्वल टू जीरो. मैं थोड़ा इसमें फास्ट चल रहा हूँ, क्योंकि ये बातें ऑलरेडी आपको करेंट इलेक्ट्रिसिटी में बड़ी डिटेल में पढ़ाई जा चुकी हैं. और अब आप जो नए बच्चे हैं, मैं एक और नई चीज़ सोच रहा हूँ उनके लिए, जो नए बच्चे हैं जिनके पास हमारा स्टडी मटेरियल नहीं है, जिनके पास हमारा कोई भी किसी तरह का कोई मटेरियल हमारा अवेलेबल नहीं है, आप लोग क्या करें मैं बताता हूँ. ये जो भी वीडियोस मैंने अब तक कराए हैं,
आप रेजोनेंस की शीट उठा लें, रेजोनेंस की शीट सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं है। बाहर वाले बच्चों के लिए बता रहा हूँ, सेक्शन ए बी और सी आप फटाफट लगाएं, आपको देखना ये फीलिंग आ जाएगा कि आप बहुत अच्छे से उसको सॉल्व कर पा रहे हैं। आप एलएन की शीट उठा लें, एलएन में जनरल वाला जो सेक्शन ए है यानी जो पार्ट वन है उसका आप सेक्शन ए कर लें, उसका सेक्शन, उसमें सेक्शन नहीं होते बेसिकली, उसमें पार्ट्स होते हैं, तो आप सिर्फ हेडिंग देख लें, वो हेडिंग के हिसाब से जो जो वहाँ पे आपको दिख रहा है सेगमेंट, आप उस सेगमेंट को सॉल्व करें, आपको बड़ा मज़ा आएगा और लगभग सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे, आई कैन गारंटी यू, क्योंकि सारी तरह के कॉन्सेप्ट हमने कवर कर लिए हैं। तो अब आप सेक्शन ए बी और सी कर सकते हैं, जो हमारे बच्चे हैं वो भी सेक्शन ए बी सी कर लें, इसको तुरंत ही देख लें तो ये तुम्हें सेक्शन ए बी सी करवा देगा, ठीक है। तो अब ये क्यू वन प्लस क्यू टू प्लस क्यू थ्री हो गया, अब इसका क्यू इक्वल टू सी वी वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, क्यू इक्वल टू सी डेल्टा वी का कॉन्सेप्ट लगाना है। Q1 की वैल्यू क्या होगी भाई, Q1 इज दिस, सो मैं यहाँ लिख लेता हूँ, Q1 इक्वल टू सी वी, सी यानी कितना हो गया 3 और V यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस, तो 10 माइनस वी ए, दिस इज Q1। वट अबाउट Q2, वेयर इज Q2, दिस इज Q2, सो Q2 नीचे लिख लेते हैं। सी वी यानी 5 इंटू वी, वी पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से वहाँ जा रहा है यानी 35 माइनस वी ए, ओके। एंड वट अबाउट Q3, इट इज अगेन सी वी, सो इट इज 2 इंटू डेल्टा वी, ये भी अंदर की तरफ जा रहा है यानी ये हायर हो गया, ये लोअर हो गया, तो इट इज 10 माइनस वी ए। सो अल्टीमेटली वी हैव गॉट Q1, Q2 एंड Q3। अब ये Q1, Q2 एंड Q3 को अपने इक्वेशन में रख देते हैं, पहले वी ए फाइंड आउट करते हैं और फिर बाकी की चीज़ करते हैं। तो Q1, Q2, Q3 रखें तो क्या बनता है, देखो 3 इंटू 10 माइनस वी ए प्लस Q2 is 5 into 35 minus VA plus 2 into 10 minus VA equal to 0. तो 3 टेन्स हो गया 30 माइनस 3 वी ए प्लस 35 फाइजा 350 होगा 175 माइनस 5 वी ए प्लस 20 माइनस 2 वी ए इक्वल टू 0। तो 30 और 175, 175 और 30 कितना होता है, 175 और 30 होता है 205, 205 और 20, 225 यहाँ आ गया और इक्वल टू माइनस 3 वी ए माइनस 5 वी ए माइनस 8 वी ए माइनस 8 वी ए प्लस 2 वी ए इज इक्वल टू 10 वी ए, माइनस 10 वी ए होता है, मैंने इधर लिया है तो प्लस 10 वी ए हो गया, पता नहीं कैलकुलेशन मिस्टेक की होगी, तो देख लेना 22.5 वोल्ट VA is 22.5 वोल्ट। सो एज इफ यू गॉट वी ए, नाउ यू कैन फाइंड Q1 इज 3 इंटू, देखो यहाँ उल्टी साइन आ रही है, 10 माइनस 22.5 यानी 12.5, 3 इंटू माइनस 12.5, 12 इंटू 36, 37.5 माइनस में माइक्रोकुलम, इसका मतलब Q1 नीचे नहीं जा रहा ऊपर जा रहा, बड़ा सिंपल। Q2 की वैल्यू आ गई 5 और 35, 22.5 यानी 12.5, तो 5 इंटू 12.5 प्लस में आएगा, 12.5 प्लस में आएगा का मतलब 12.5 का आधा 5 से मल्टीप्लाई करो तो 10 से मल्टीप्लाई कर लो, 125 का आधा 62.5 माइक्रोकुलम, और मेरे ख्याल से इसका देखेंगे अगर तो माइनस Q2, ये तो प्लस आ रहा है यानी इसका साइन सही है, ये Q3 ऊपर जा रहा है यानी 2 इंटू 10 माइनस 22 यानी माइनस, ये माइनस आएगा माइनस 12.5 है ना, बराबर किया क्या, हाँ माइनस, तो ये आ जाएगा डबल, तो 25 आ जाएगा, 25 माइक्रोकुलम माइनस में, इसका मतलब ये भी बाहर जा रहा है यानी ये बाहर जा रहा है, ये भी बाहर जा रहा है, ठीक है। तो ये 25 है इधर, ये 37.5 है और ये 62.5 है, यानी इधर से आ रहा है 62.5, इधर जा रहा है 25 और इधर जा रहा है, हिसाब किताब भी सही हो गया, सही आ गई वैल्यूज, ठीक है। सो एक मैंने कर दिया, एक क्वेश्चन आपके लिए देता हूँ, कितना हो गया है ओके ठीक है, हमें KCL भी, किरचॉफ वोल्टेज लॉ भी पढ़ना है, KVL भी पढ़ना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए दे देते हैं, तो यहाँ इनिशियली ऑल द कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड, ऑल द कैपेसिटर आर अनचार्ज्ड, देन फाइंड द पोटेंशियल at point A and charge on each capacitor at steady state, charge on each capacitor at steady state. So this is the question and मैं बना देता हूँ circuit फटाफट से. So this is the point A, ठीक है, सो हियर वी हैव अ कैपेसिटर,
दिस इज़ अ कैपेसिटर, ओके कितना है ये, दिस इज़ 2 माइक्रोफेरेड, दिस इज़ अ बैटरी 22 वोल्ट, और यहाँ पे एक पॉइंट पे पोटेंशियल दिया हुआ है 20 वोल्ट, ठीक है। और इस ब्रांच की बात करें तो यहाँ पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, दिस कैपेसिटर इज ऑफ 1 माइक्रोफेरेड, एंड दिस इज़ अ पॉइंट ऑफ 4 वोल्ट, यहाँ कोई बैटरी नहीं दी हुई है। फिर इसके बाद यहाँ एक कैपेसिटर है हमारे पास, सो दिस इज़ द कैपेसिटर अगेन, और कितना दिया है ये 4 माइक्रोफेरेड, और यहाँ इसके साथ यहाँ ग्राउंड किया हुआ है इसको, ठीक है, ये वाले पॉइंट को ग्राउंड किया हुआ है। और यहाँ एक और कैपेसिटर लगा है, और ये कैपेसिटर कुछ है हमारे पास 3 माइक्रोफेरेड का, यहाँ पे 10 वोल्ट की एक बैटरी भी है, और यहाँ एक लगा है 14 वोल्ट का और पोटेंशियल, ठीक है। सो आई होप आपसे ये हो जाए, और अगर हो जाए तो वेरी गुड है। इसका आंसर मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा, अभी बता के मतलब नहीं होगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है। अब हम लोग किरचॉफ करंट लॉ के बाद हम करते हैं किरचॉफ वोल्टेज लॉ, KVL, ठीक है ना। तो वही है, टोटल पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द लूप इज़ 0, वही सेम है, कोई अलग चीज़ नहीं है। तो अब आ जाते हैं हम लोग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, ठीक है, या फिर इसको लूप लॉ भी कहते हैं, ठीक है ना, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक RC सर्किट बना देंगे, ये एक रजिस्टर है, ये एक कैपेसिटर है, ये एक हमारे पास बैटरी है, की लगा देते हैं यहाँ से, तो ये आपके पास एक स्विच है, ये EMF E है, ये रजिस्टर R है, ये कैपेसिटी C है, ठीक है। तो बस यहाँ पे आपको इतना ही समझना है कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप, यहाँ आपको सिर्फ इतना ही देखना है कि टोटल पोटेंशियल ड्रॉप Across the loop is 0. Total potential drop across the loop is 0. इसका मतलब क्या करना है आपको, सिंपल चीज़ है, आप ये कह सकते हो यहाँ से कि potential drop across resistance plus potential drop across capacitor plus potential drop of battery is equal to 0. ये सब के across 0. पर ऐसे नहीं, अभी हमें इस पर लगाना पड़ेगा, साइन लगाना पड़ेगा। तो मान लेते हैं कि ये किसी इंस्टेंट पे इस पे करंट I चल रहा है, ठीक है, लेट करंट एट एनी इंस्टेंट, अच्छा एक बात, इंस्टेंट इन द सर्किट, एक बात बताता हूँ, BI, देखो ये सर्किट अभी ना T इक्वल टू 0 पे है, ना T इक्वल टू इन्फिनिटी पे है, ये कोई जनरल इंस्टेंट पे बात हो रही है। और देखो t इक्वल टू 0 पे जब रहता है तो I मैक्स होता है, t इक्वल टू इन्फिनिटी पे I 0 हो जाता है, पर t इक्वल टू 0 पे चार्ज 0 होता है, और t इक्वल टू इन्फिनिटी पे इस पे चार्ज भी मैक्स होता है। पर अभी के लिए मैं प्लस कुछ तो भी, छोटा q, माइनस q, q भी द जनरल चार्ज, कोई यानी मैक्सिमम नहीं है ना, 0 है, कुछ मिड बीच का इंटरमीडिएट चार्ज है, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक बात समझ लें पहले, लेट द करंट एट एनी इंस्टेंट इन द सर्किट बी आई एंड Q be the charge on the capacitor, at that instant, उस instant पे जो capacitor पे charge है, that is Q, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, सबसे पहली चीज़, simple चीज़ भाई, किसी instant पे current मान लिया I, उस instant of time t पर हमने charge मान लिया capacitor पे Q, और अब हम लोग क्या कर रहे हैं, तो हम लोग ये कर रहे हैं भाई कि अब हमें क्या करना होगा, उस पर KVL लगाना होगा। सिंपल है, KVL इज नथिंग बट दी सम ऑफ पोटेंशियल ड्रॉप्स अक्रॉस ऑल दी एलिमेंट्स इज 0, सारे एलिमेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप लिख लो, या आपने करंट लिखा ही है तो यहाँ से प्लस माइनस साइन लगा लो, ये भी प्लस और ये माइनस आ ही गया। बस एक बात ध्यान रखना कि जब आप पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर लिखते हो तो वो तो आप IR लिख देते हो, पर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर तो Q इक्वल टू CV, तो V इक्वल टू Q/C, यानी इसके अक्रॉस जो आप लिखते हो पोटेंशियल ड्रॉप, वो होता है पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस कैपेसिटर जो होता है, दैट इज Q/C। सुनो, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है,
ये जो पोटेंशियल ड्रॉप्स है ना रजिस्टर के अक्रॉस आई आर, कैपेसिटर के अक्रॉस क्यू बाई सी, और एक और एलिमेंट आने वाला इंडक्टर, दैट इज माइनस एल डी आई बाई डी टी। तुम कुछ याद रखो या ना रखो, पर तीन बातें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना कि पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस रजिस्टर होता है ओम्स लॉ से आई आर, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर होता है वी इक्वल टू क्यू बाई सी, और पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी। वो अभी पढ़ा नहीं है, छोड़ दो, टेंशन मतलब, पर दो कंपोनेंट्स के अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप आपको लिखना बता दिया गया है, आपको इस पे विशेष ध्यान रखना है। रजिस्टर के अक्रॉस आई आर, कैपेसिटर के अक्रॉस क्यू बाई सी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अब इस बात को अगर हम आगे बढ़ाएं, इस बात को अगर लेके अगर हम आगे चलें तो क्या होता है, देखो इसकी इक्वेशन क्या बनती है। तो कैपेसिटर एट दैट इंस्टेंट हमने लिख लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, नाउ अकॉर्डिंग टू किरचॉफ वोल्टेज लॉ, अब किरचॉफ वोल्टेज लॉ उस सर्किट में लगा दिया अगर हमने, तो प्लस ई आ जाएगा। सबसे पहले छोड़ने वाले साइन लेते हैं, आपको पता ही है प्लस ई इसलिए लेना पड़ेगा हमें, यहाँ से देखो ये ऐसा चल रहा है अगर डायरेक्शन, तो दिस इज़ प्लस दिस इज़ माइनस, तो ऐसे चल रहे हैं हम लोग, तो छोड़ने वाले साइन लेते हैं हम लोग, करेंट इलेक्ट्रिसिटी का ध्यान रखो, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो दिस इज़ प्लस ई, और फिर जो रजिस्टेंस है उसके अक्रॉस जाओगे तो माइनस ऑफ आई इंटू आर, और फिर पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दी कैपेसिटर इज माइनस ऑफ क्यू बाई सी इक्वल टू जीरो। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिलेशन फॉर किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। इसको चाहो तो थोड़ा आप अरेंज कर सकते हो, तो ई इक्वल टू आप लिख सकते हो आई आर प्लस क्यू बाई सी, फिर तो ये जैसे भी हमें चाहिए हम वैसे इसको मॉडिफाई करेंगे, बाद में लिखेंगे। पर हाँ, इस इक्वेशन से एक बात समझो कि जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप था बैटरी का, जितना भी पोटेंशियल था आप कह सकते, पोटेंशियल डिफरेंस जो बैटरी दे रही थी वो उसने दो लोगों के पास बांट दिया, एक तो रजिस्टर को बांट दिया और एक तो कैपेसिटर को बांट दिया। रजिस्टर को जो बांटा वो आई आर था, और जो कैपेसिटर को दे दिया वो क्यू बाई सी था। तो इन दिस वे एक्चुअली यू कैन राइट द इक्वेशन ऑफ किरचॉफ वोल्टेज लॉ। आप इस तरह किरचॉफ वोल्टेज लॉ की इक्वेशन लिख सकते हैं। अब मैं सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन है वो करके बताता हूँ, ठीक है ना। हम एक क्वेश्चन करते हैं सबसे पहले, और फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल नंबर 4, तो ये वाला 5 हो जाएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन 5, फॉर द गिवन सर्किट फाइंड द चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर एंड ऑल्सो फाइंड द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस ईच कैपेसिटर। सारे कैपेसिटर पे चार्ज निकालने हैं और पोटेंशियल ड्रॉप भी निकालने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ ऐसे कैपेसिटर्स लगा देता हूँ। यहाँ पे हमने एक बैटरी भी लगा दी है, ठीक है। इसकी कैपेसिटी कुछ ले लेते हैं 1 माइक्रोफेरेड, इसकी 2 माइक्रोफेरेड और इसकी 3 माइक्रोफेरेड। यहाँ पे हमारे पास एक 60 वोल्ट की बैटरी है, ठीक है। डेफिनेटली ये पॉजिटिव है, तो ये ऐसा नेगेटिव हो गया, ये कैपेसिटर डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो यहाँ से कुछ करंट मान लेते हैं, कुछ इंस्टेंट पे करंट आई चल रहा है। हाँ, हम एक काम और भी कर सकते हैं, यहाँ वी कैन इवन हैव अ रजिस्टर ओवर हियर, और यू कैन रिप्लेस दिस कैपेसिटर बाय अ रजिस्टर। एक रजिस्टर लगा लेते हैं 3 कैपेसिटर की जगह, ठीक है। सो दिस इज़ ऑफ 10 ओम, ओके। सो यहाँ पे आप अगर इस तरह देखते हैं तो इसमें एक दिक्कत आएगी कि हमें रजिस्टर लगाने में एक प्रॉब्लम आ जाएगी कि हमें उस इंस्टेंट का करंट चाहिए होगा, पर अभी हमने ना चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर नहीं पढ़ा। तो अगर हमने अभी चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर नहीं पढ़ा है तो हम किसी इंस्टेंट पे करंट नहीं निकाल सकते, क्योंकि जनरल इंस्टेंट वाला बात हुई ना। यहाँ पे अगर हम किसी इंस्टेंट पे देखो, मैंने वहाँ लिखा है कि लेट आई बी द करंट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम टी, बट अभी फिलहाल हमने चार्जिंग डिस्चार्जिंग नहीं पढ़ी, इसलिए हम करंट नहीं निकाल पाएंगे। इसलिए यहाँ से कैपेसिटर ही रखता हूँ, रेजिस्टेंस को हटा देता हूँ, क्योंकि रेजिस्टेंस के लिए हमें पोटेंशियल ड्रॉप लिखने के लिए करंट की ज़रूरत होगी, और इस इंस्टेंट के करंट को अभी हमने निकालना सीखा नहीं है।
सीखा नहीं है, सीखेंगे। चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर, जो इसके बाद कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर के बाद का टॉपिक है। ओके, तो फिलहाल हम कैपेसिटर के साथ ही डील करते हैं सर्किट में अभी, ठीक है। अभी आप कैपेसिटर के साथ ही डील करें तो बेटर है। इवन अभी आपको इसमें रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, और रेजिस्टेंस मिलेगा तो उस इंस्टेंट का कुछ करंट दे देंगे, तो अगर दे देंगे करंट का वैल्यू तो इट्स ओके, बट अभी निकाल नहीं सकते हम लोग, ठीक है। सो फिलहाल के लिए अभी हम कैपेसिटर लेके चलते हैं। यहाँ पे इसके ऊपर प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ प्लस आ गया, यहाँ माइनस आ गया। इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो क्यू बाई सी है। तो अभी हमें इस केस के लिए यहाँ कुछ जनरल चार्जेस क्यू लेने हैं, तो लेट क्यू बी द चार्ज ऑन कैपेसिटर एट एनी टाइम टी, ठीक है। तो हमें अच्छा एक चीज़ और ध्यान रखना कि अभी फ़िलहाल आप देख सकते हो कि ये जो कैपेसिटर्स हैं ना ये सीरीज़ में लगे हैं, तो इनमें जो चार्जेस हैं ना वो भी सेम रहेंगे, सीरीज़ में इक्वल चार्जेस। जैसे सीरीज़ में जब रजिस्टर्स लगते हैं तो इक्वल करंट, मैं अभी वैसे कॉम्बिनेशन में ये बात बहुत डिटेल में पढ़ाऊँगा, पर इतनी बात हम समझ सकते हैं कि जब सीरीज़ में रजिस्टेंस होता है तो इक्वल करंट होता है, वैसे ही सीरीज़ में जब तो कैपेसिटर्स होंगे तो चार्जेस उसमें से इक्वल जाएंगे, ठीक है ना। तो ये मान लेते हैं यहाँ पे क्यू है, तो यहाँ पे क्यू है। अब जो क्यू चार्ज है उसके हिसाब से क्यू इक्वल टू हो गया सी वी, तो सी वी के हिसाब से जो पोटेंशियल ड्रॉप है वो तो हो जाएगा क्यू बाई सी। तो जो पोटेंशियल वी वन है दैट विल बी क्यू बाई सी वन, एंड इसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आएगा वी टू दैट विल बी क्यू बाई सी टू, क्योंकि कैपेसिटी दोनों की अलग अलग है ना, तो पोटेंशियल्स भी अलग अलग होंगे। चार्जेस आर इक्वल बट पोटेंशियल ड्रॉप्स आर डिफरेंट, बट द सम ऑफ टोटल पोटेंशियल विल बी 60 वोल्ट, क्योंकि भाई सोर्स तो उतना ही दे रहा है ना। तो कोई नहीं, हम लोग तो अभी भाई चार्ज ऑन द कैपेसिटर एट एनी टाइम टी ये ले लेते हैं हम। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बाई केवीएल फॉर द लूप, ये लूप में लगाओ केवीएल। अब जैसे ही लूप में आपने केवीएल लगाया तो आप चल जाओ भाई लूप में घूमो, तो यहाँ से आ जाएगा पहला तो प्लस 60, और फिर माइनस में आ जाएगा V यानी कि Q बाय C1, C1 यानी 1 माइक्रोफेरेड है ही वो वैल्यू, और फिर माइनस में आ जाएगा Q बाय 2 माइक्रोफेरेड इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ से अब आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है इसको थोड़ा आप सॉल्व करना पड़ेगा हमें, तो ये Q प्लस Q बाय 2 आ गया, यानी इसको आप 3 Q बाय 2 लिख सकते हैं। यहाँ माइक्रो फैरेड ऑलरेडी है, तो माइक्रो जो है यूनिट का वो उधर जाएगा, तो चार्ज जो आएगा वो माइक्रो कूलम में आएगा, इस बात का ध्यान रखना। तो ये आ गया आपके पास, तो 60 इंटू 2 बाई 3 इक्वल टू क्यू, 320 जा, तो क्यू इक्वल टू आ गया 40 माइक्रो कूलम, 40 माइक्रो कूलम चार्ज आ गए। 40 माइक्रो कूलम के हिसाब से अब वी वन जो इसके अक्रॉस ड्रॉप है, कैपेसिटी का उल्टा रेशो है, वैसे भी निकाल सकता हूँ मैं रेशो लेके डायरेक्ट जैसे रेजिस्टेंस में लेते हैं, पर अभी निकाल के बताता हूँ, वो कॉम्बिनेशन में सिखाऊंगा। V1 इज इक्वल टू Q by C, यानी 40 माइक्रो कूलम बाय C में आपके C1 आ गया 1 माइक्रो फेरेड, माइक्रो कैंसल, इट इज 40 वोल्ट, 40 वोल्ट मिला इसके अक्रॉस आपको। जिसकी कैपेसिटी कम उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप ज्यादा, इनवर्स रिलेशन देख पा रहे हो यहाँ, जिसकी कैपेसिटी कम उसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा, यानी 40 इधर है, 60 में से 40 इधर है, तो इधर बी सी होगा, ऑब्वियस है, फिर भी निकाल दो। V2 इज इक्वल टू Q by C, Q is what 40 micro coulomb by C is 2 micro farad and it is 20 volt. So you can see it is very simple. You can easily apply this Kirchhoff voltage law again. और एक हाथ question आपको दे सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, तो आप कर सकते हैं उसको, ठीक है ना, तो कुछ question आप कर सकते हैं, वैसे sheet में आपके पास questions हैं, आप उसको करें attempt, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे हम लोग जो है देखते हैं, एक क्वेश्चन और दे देता हूँ और उसमें दो लूप दे देता हूँ, आपको लिबर्टी है, यू कैन यूज़ किर्चॉफ करंट लॉ एज वेल, यू कैन यूज़ किर्चॉफ वोल्टेज लॉ एज वेल, आप जो चाहें कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ उसको आप करें, मेरे ख्याल से कितना समय हो गया, क्वेश्चन नंबर 6, ओके। सो बस ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का, फिर हम यहाँ रुक जाएंगे, क्योंकि अब हमें क्या कॉम्बिनेशन पढ़ना है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो इनिशियली द कैपेसिटर्स आर अनचार्ज्ड, फाइंड फर्स्ट पार्ट वी ए, सेकेंड पार्ट
चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, चार्ज ऑन ईच कैपेसिटर, ठीक है। तो एक सर्किट डायग्राम है, फटाफट इसको देख लो, और मेरे हिसाब से इसको आप KVL लगा के करोगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। KCL से भी कर सकते हो, KVL से भी कर सकते हो, जैसे चाहे वैसे कर लेना। आंसर देखेंगे, चेक करेंगे किसका सही आता है, दोनों तरीके लगा के देख लेना। पर हाँ, इसके साथ साथ सबसे पहले जो हमने एक्सरसाइज दी हुई है, उस एक्सरसाइज का सेक्शन ए, बी और सी अब आपका पूरा कंप्लीट होना चाहिए। कॉम्बिनेशन में जाने से पहले मैं सेक्शन ए बी सी डिस्कस करूँगा। सेक्शन ए बी सी जब डिस्कस करेंगे हम लोग, तो फिर ये जो चीज़ है अब हम लोग आगे बढ़ेंगे फिर, तो ये देखते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो एक सेकेंड हम लोग इसको पहले कंप्लीट करते हैं, फिर इंस्ट्रक्शन दे देता हूँ मैं। तो ये आ गया 2 माइक्रोफेरेड, ठीक है। यहाँ पे आ गया आपके पास 30 वोल्ट, ठीक है। और ये चीज़ हो गई है आपके पास, ठीक है। तो ये आ गया 30 वोल्ट, ये आ गया 10 वोल्ट, 1 माइक्रो, 2 माइक्रो, 2 माइक्रो, ठीक है ठीक है ठीक है, इतना आ गया, ठीक है। इसको आप सॉल्व करें। सो इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। उसको ज़्यादा से ज़्यादा 2 लेक्चर्स लगेंगे, फिर चार्जिंग डिस्चार्जिंग में लग जाएंगे 2-1 क्लास, फिर एक लगेगा डायलेक्ट्रिक में 2-1 क्लास। तो अभी हम लोग 9th नंबर पे हैं, लगभग 15-16 वीडियोस तक जाएगा ये कैपेसिटर, और उसके बाद विल स्टार्ट विद अ वेरी गुड यूनिट, दैट इज़ मैग्नेटिज्म। मज़ा आता है उसमें, बहुत बहुत मज़ा आता है। हालांकि ये पूरा 12th ही बहुत मज़ेदार होता है। 12th पढ़ने में जो मज़ा आएगा वो 11th में नहीं आएगा, पर 12th पढ़ने में जितना आप गेन करते हो फास्ट, उतना लूज़ भी करते हो फास्ट। तो इसीलिए 12th को थोड़ा ज़्यादा फोकस करो, अभी सेक्शन ए बी सी तुरंत कंप्लीट करो, और साथ में इस तरीके के क्वेश्चंस और इन्हीं कॉन्सेप्ट पे बेस्ड क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के पूरी शीट में कर लो, क्योंकि बाद में भूल जाओगे। अगला टॉपिक कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स है, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। और एक टास्क आपको दे रहा हूँ, पैरेलल सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको सी इक्विवेलेंट यहाँ से ही दिखेगा, इस तरीके से ही बनाएंगे। सीरीज में आ गए दोनों कैपेसिटर, आपको दिख रहा है कि पोटेंशियल V1 प्लस V2 सम है, तो V बाय सी इक्विवेलेंट आप यहाँ से देख सकते हो, यहीं पे V जो होगा वो V1 प्लस V2 होगा। V इक्वल टू क्या होता है, Q बाय सी, तो Q तो सेम ही रहने वाला है, और अपॉन में आ जाएगा सी इक्विवेलेंट, और Q बाय C1 आ जाएगा प्लस Q बाय C2 आ जाएगा। आपको दिख रहा है ये Q Q कैंसिल हो जाएगा, तो 1 बाय सी इक्वल टू 1 बाय सी1 प्लस 1 बाय सी टू। आपको याद आता होगा ऐसा तो रेजिस्टेंस के पैरेलल में आता था R इक्विवेलेंट, आपको थोड़ा याद आता होगा रेजिस्टेंस के पैरेलल में R इक्विवेलेंट ऐसा आता था। तो अब ध्यान रखना, इसका मतलब इसका ही कैपेसिटर का पैरेलल जो होगा वो रेजिस्टेंस के सीरीज जैसा होगा, यानी सीरीज के लिए R सीरीज के लिए R1 प्लस R2 होता था, पर कैपेसिटर के सीरीज के लिए, कैपेसिटर के सीरीज के लिए आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। देखो दो रजिस्टर्स पैरेलल में रहते थे, तो R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 होता था, वही सेम चीज़। वैसे ही रजिस्टेंस के पैरेलल के लिए आपको क्या मिला था, वो मिला था R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो कैपेसिटर के कौन सा पैरेलल के लिए, कैपेसिटर के पैरेलल के लिए आएगा C1 प्लस C2। देखो जरा, बड़ा सिंपल है, मज़ा आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई थिंक इट इज़ सफिशेंट फॉर टुडे, ए बी सी सेक्शन कर लें, और सेक्शन करने के तुरंत, इस वीडियो के तुरंत बाद चैट सेक्शन में आके मुझसे पूछें कि डिस्कशन कब है ए बी सी सेक्शन का, और चैट सेक्शन यानी अपनी ऐप के चैट सेक्शन में आना, ठीक है, यहाँ के लाइव चैट में नहीं। और ए बी सी सेक्शन डिस्कशन का टाइम मुझसे पूछ लें, हम लोग ए बी सी सेक्शन डिस्कस करेंगे इसके बाद ही, ठीक है। तो ए बी सी सेक्शन अपना कंप्लीट करके रखें, फॉर नाउ विल स्टॉप हियर, है ना, आज के लिए इतना ही, और विल स्टॉप, और आई होप यू हैव एंजॉयड एंड लर्नड अ लॉट। थैंक यू वेरी मच एंड गुड बाय।